देश हो चाहे प्रदेश हो, आज सबकी नजर लगी हुई है गठबंधन के ऊपर कि क्या रिजल्ट आएंगे गठबंधन के ऊपर। बलरामपुर में मायावती ने संबोधन करते हुए एक बड़ा बयान दिया और उसमें ये कह के सबको चौंका दिया कि गठबंधन जीतेगा सारी सीटें। अब तक हुए चुनावों के अंदर हम आपको बता दें कि 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, वहीं 5वें चरण के चुनाव के बाद जो बहन कुमारी मायावती की भी सभा थी, उस सभा में उन्होंने कहा कि गठबंधन भारी मतों से अंतर से जीत रही है, इसे सोचकर भाजपा के नेताओं की नींद भी उड़ी हुई है। भाजपा ही किसी तरीके से लाज बचाने में जुटे हैं, मोदी लाख कोशिश कर लें इस बार भाजपा के बुरे दिन व गठबंधन के अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा, छोटा परेड ग्राउंड में आयोजित रैली में संबोधित करते हुए कहा, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही, उन्होंने गठबंधन पर प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा को जिताने की अपील लोगों से की। मायावती ने कहा कि आजादी के बाद काफी दिनों तक अंग्रेज सत्ता में थी। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि यह सरकार जुमलेबाजों की सरकार है, वादा कुछ करते हैं देते कुछ हैं। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए देने का जो वादा किया था आज तक किसी को नहीं मिला और 2000 रुपए बदल दिए, जिससे कई लोगों की जान तक चली गई, झूठे निकले बीजेपी वाले। उन्होंने कहा कि भाजपा जातिवाद व पूंजीवाद की सोच रखती है, इससे सर्व समाज व विकास नहीं हो सकता। नोटबंदी, GST, बेरोजगारिता जैसे काफी सारे मुद्दे अब बीजेपी को ले डूबेंगे, जिससे व्यापारी आज भी बहुत ज्यादा त्रस्त है और परेशान है। उन्होंने कहा, यह बात सच है कि अब बीजेपी कांग्रेस और गठबंधन का त्रिकोण मुकाबला हो चुका है, लेकिन कांग्रेस से भी लोग 70 साल के शासन से बहुत ज्यादा खुश नहीं है और 5 साल का शासनकाल जनता के सामने है, जो लोगों को भी नजर आता है। सिर्फ वादों की सरकार रही है, लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों को, किसानों को अच्छा संसाधन नहीं मिल पाए हैं, GST, नोटबंदी जैसे कई सारे विषय रहे हैं, जिससे बीजेपी को काफी स्तर तक नुकसान दिखाई दे रहा है। वहीं गठबंधन एक मजबूत संगठन निकल के आ रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।